नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। ये वैकेंसी निकली हुई है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, जिसके अंतर्गत नॉन टेक्निकल स्टाफ की वैकेंसी है, हवलदार पोस्ट के लिए है। इसमें मेल, फीमेल और हमारे भूतपूर्व सैनिक सभी अप्लाई कर सकते हैं। स्पोर्ट्समैन भी अप्लाई कर सकते हैं और दिव्यांग भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें ताकि सभी जानकारी आप हासिल कर सकें। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 30 जून 2023 से यानी लेकर के 21 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसकी जानकारी मैं पूरे वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दूंगा, कितनी वैकेंसी हैं, किस पद के लिए क्या वैकेंसी है, क्या सिलेबस है और साथ ही क्या एज लिमिट है और क्या सैलरी रहेगी। सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं मुद्दे की। यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं, अंतिम तिथि 21 जुलाई 2023 रखी गई है। उससे पहले पहले आपको सर्वे कार्रवाई करनी है। और सबसे अहम बात है कि इसका एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी होने वाला है, यानी कि सितंबर 2023 के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा। ये डेट टेंटेटिव है, बाकी समय के हिसाब से कुछ आगे पीछे हो सकती है। दोस्तों, इसके अंतर्गत 7 पे कमीशन के हिसाब से पे लेवल 1 की पोस्ट के लिए भर्ती है, जो कि जनरल सेंट्रल ग्रुप सी के अंदर आती हैं, नॉन रजिस्टर्ड पोस्ट हैं। पे लेवल 1 के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। पोस्ट में इसमें लगभग 1198 अप्रॉक्स पोस्टें हैं, जिसमें MTS की 1198 हैं और 360 पोस्टें CBIC CBN हवलदारों की हैं। दोस्तों, इसके अंदर जो रिजर्व किया गया है वो इस प्रकार से है। रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड शेड्यूल कास्ट, यानी SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए और हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए। साथ ही जो पर्सनल डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार छूट दी गई है। दोस्तों, इसके बाद जो डिसेबल्ड हैं उनमें ये क्लियर दिया गया है कि कौन कौन से डिसेबल्ड, यानी जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, कौन कौन सी यहाँ पे एक्सेप्ट की जाएंगी। यहाँ पे जैसे कि किसी को BLV ये कोड में है, इसकी जानकारी आप जानना चाहते हैं तो ये आपको नीचे नोटिफिकेशन मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर देखा OL, इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो सब बीमारी नीचे मिल जाएंगी, तो आप ये देख सकते हैं। दोस्तों, सेम ऐसे ही हवलदार के लिए है। इसके बाद इसमें कुछ फिजिकल, यहाँ पर आप देख सकते हो, जो ऑब्जर्वेशन पूछा था आपने, फिजिकल जो रिक्वायरमेंट है वो इस प्रकार से, जैसे जो आप S का मतलब सिटिंग, ST स्टैंडिंग, W से वॉकिंग, BN बेंडिंग, RW रीडिंग एंड राइटिंग, CE सींग, तो ये बीमारियां हैं। जिन जिन बीमारी डिसेबिलिटीज में हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक्सेप्ट कर ली जाएंगी। दोस्तों, इसमें जो अप्लाई करने के लिए भारत से, नेपाल से, भूटान से कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। साथ ही इसके अलावा एक पर्सन ऑफ इंडियन जो भारत का है, हु हैव माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान से आया हुआ है, बर्मा से आया हुआ है, श्रीलंका से, ईस्ट अफ्रीकन से, केन्या से, यूनाइटेड रिपब्लिक यानी तंजानिया से, वो भी व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो कि परमानेंटली भारत में सेटल हो चुके हैं। दोस्तों, एज लिमिट की बात करते हैं तो 1/8/2023 को 1 अगस्त 2023 से उम्र सीमा यहाँ पर काउंट की जाएगी। 18 साल से 25 साल होनी चाहिए और जो MTS हवलदार के लिए दे रहे हैं उनकी उम्र 25 साल तक है और सिर्फ MTS के लिए 18 साल से 27 साल तक रखी गई है। दोस्तों, SC के लिए, SC और ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC 3 साल है, PWD 10 साल की है, PWD OBC के 13 साल की है,
पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 15 साल की है और हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए क्लियर दिया गया है। जितनी सर्विस उन्होंने सेना में आर्मी एयरफोर्स नेवी किसी में भी की है वो सर्विस घटाने के बाद जो एज बचती है उसमें 3 साल की छूट दी जाती है। डिफेंस पर्सन जो डिसेबल्ड हैं उन्हें 3 साल छूट दी जाती है। डिफेंस पर्सनल जो डिसेबल्ड हैं जो ऑपरेशन के अंदर हुए और एस सी एस टी से हैं उन्हें 8 साल की छूट दी जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सिविलियन हैं उन्हें अप टू 40 साल तक होती है। दोस्तों साथ ही विडो और डिवोर्स वुमेन हैं उनको लिए अप टू 35 साल तक है और अगर वहीं पर एस सी एस टी की विडो हैं या डिवोर्सिड वुमेन हैं या उनका सेटलमेंट नहीं हुआ है अभी तक उनके लिए 40 साल तक एज रखी गई है। दोस्तों एक्सप्रेसमैन में जो सेना से रेगुलर आर्मी से आर्मी नेवी एयरफोर्स आए हैं या इंडियन यूनियन से आए हुए हैं वो सभी इसमें इसके पात्र होंगे। साथ ही जो इससे रिलेवेंट हैं वो भी इसके अंदर पात्र माने जाएंगे। पर्सन ऑफ द आर्मी आर्मी पोस्टल हु आर पार्ट ऑफ रेगुलर आर्मी एंड रिटायर्ड फ्रॉम एनी पोस्टल सर्विस विदाउट रिजर्वेशन वो भी इसमें काउंट किए जाएंगे। जो व्यक्ति हु वर ऑन डेपुटेशन इन आर्मी पोस्टल सर्विस मोर देन 6 मंथ वो भी इसमें काउंट किए जाएंगे। या कोई गैजेंटर अवार्डर है उनको भी भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट जो है वो फॉर्मल दिया गया है उस हिसाब से आपको फॉर्म बनाने हैं। अब इसके अंदर जो वैकेंसी हैं वो आप देख सकते हैं क्लियर दी गई हैं हवलदार अपना एमटीएस के लिए और हवलदार के लिए। जो भी आपको सूटेबल लगती है आप अपनी योग्यता के अनुसार इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसकी डिटेल मैं नीचे दे रहा हूँ कि इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसकी जानकारी मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। इनिशियल जो क्वालिफिकेशन है जो कि 1 अगस्त 2023 के तक आपने 10th पास कर लिया होना ज़रूरी है। साथ ही एज पर मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट के आधार पर जो इसके अंतर्गत 10th पास होना ज़रूरी है आप 10th पास से पहले कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए जो वेबसाइट दी गई है https://ssc.nic.in पर आप जा सकते हैं और वहां पर आप अप्लाई करके इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो फ़ोटो साइज रहेगा जो 20 KB से 50 KB के मध्य होगा और साइज 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर के मध्य होगा। दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 जुलाई 2023 है तब तक आपको फॉर्म भर के कम्प्लीट करना होगा। इसके लिए फ़ीस की बात करते हैं तो 100 रुपये की फ़ीस रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए। साथ ही जो वुमेन हैं कैंडिडेट हैं और एससी हैं एसटी हैं या पर्सनल डिसेबिलिटी हैं या हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए फ़ीस एग्जेम्प्टेड है तो आपको फ़ीस भरने की आवश्यकता नहीं है। फीस कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू भीम UPI नेट बैंकिंग से आप पे कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस आपको भरनी होगी। दोस्तों इसके लिए विडोज जो बीमार हैं उनके लिए जो विंडो खुलने वाली है एप्लीकेशन फीस के लिए एप्लीकेशन के लिए वो 26 जुलाई 2023 से 28 जुलाई 2023 तक खुली रहेगी। उस दौरान आपको अपना कोई करेक्शन करना है तो आप कर सकते हैं। दोस्तों द कमीशन बिल विल जो लेवी यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज जो रहेगा वो 200 रुपये आपको पे करना होगा तो आप अपना ये पे करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जो एग्ज़ाम सेंटर रखे गए हैं वो संपूर्ण भारत में रखे गए हैं आप कहीं भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे कि सेंट्रल रीजन की बात करते हैं तो बिहार इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश आते हैं जिसमें बिहार के अंदर भागलपुर मुजफ्फरपुर पटना और पूर्णिया आता है। साथ ही उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो आगरा बरेली गोरखपुर झांसी कानपुर लखनऊ मेरठ प्रयागराज वाराणसी सीतापुर गया तक आते हैं। गया बिहार के अंदर आता है ये इनका एड्रेस भी दिया गया है तो आप जहां भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं।
इनकी डिटेल ऑटोमेटिकली जैसे आप फॉर्म भरेंगे वहाँ पर आ जाएगी। दोस्तों ये आप देख सकते हैं पूरा डिटेल इसमें दिया गया है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इस कारण से मैं आपको ये डिटेल नहीं दे पा रहा हूँ। इसके लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है वो इस प्रकार से रहेगा, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट होगा जो कि 20 क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क का होगा। रीजनिंग एबिलिटी का 20 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क का होगा। और पार्ट टू में जो दोबारा एग्जाम होगा सेंसर टू में, जो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का होगा, इसमें 25% मार्क का होगा। समय की बात करते हैं तो इसमें 45 मिनट आपको दिए जाएंगे प्रत्येक पार्ट के लिए, 45 मिनट और 60 मिनट फॉर कैंडिडेट को दिए जाएंगे जो कि स्क्राइबिंग पैरा 8, यानी आप 45 और 45 यानी टोटल आपको 90 मिनट के अंदर ये एग्ज़ाम ख़त्म करना है। 1.5 घंटे का टाइम समय रहेगा दोस्तों, उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी और मेरिट बनने के बाद आप को बुलाया जाएगा पेट के लिए यानी वॉकिंग इंटरव्यू के लिए, जिसमें 1600 मीटर की रनिंग होगी जो कि 15 मिनट के अंदर है, बहुत समय होता है। और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर रनिंग होगी 20 मिनट में, इतना समय तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, आप आराम से कर सकते हैं। और इसके बाद आपका फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट लिया जाएगा, वो आपको देने के बाद आपका जो हाइट देखी जाएगी 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए और 81 सेंटीमीटर हाइट उसकी आपका चेस्ट रहेगा। फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर रहेगा जो कि जो 2.5 सेंटीमीटर की छूट रहेगी आसाम गढ़वाली और गोरखा के लिए। टोटल वेट आपका 48 केजी होना आवश्यक है दोस्तों। साथ ही जो इसके अंदर जो दिया गया है पोस्ट ऑफ हवलदार के लिए HH जो कटी देखी गई है उनके लिए कुछ जो एग्जामिनेशन है तो वो भी आप उसके आधार पर ही आपको देना होगा। साथ ही इसमें मेरिट बनने के बाद आपका सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन होके आपको जॉब मिलेगी। ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको अपने साथ रखने हैं, जबकि जब डॉक्यूमेंट चेक होंगे तो उसमें आपको दिखाना होगा प्रिंटेड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जो भी है वो आपको दिखाने होंगे एट द प्रेजेंट जब आपकी जॉइनिंग होगी। और आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो उसमें आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, हाई स्कूल इंटर के जो भी हैं। और हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं तो उन्हें अपना सर्विंग डिफेंस पर्सनल सर्टिफिकेट या अंडरटेकिंग या डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो भी है वो आप दिखाना होगा। सर्विंग है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको देना होगा अगर कहीं पर भी आप जॉब कर रहे हैं तो। तो दोस्तों ये थी इस वैकेंसी से जानकारी, ऐसी ही जानकारी यहाँ पर दी जाती है। आपसे नम्र निवेदन है कि आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये वीडियो दोस्तों को जरूर शेयर करें, हो सकता है कि किसी कारणवश उन तक ये सूचना न पहुँची हो तो उनके घर में खुशियाँ आएंगी अगर आप उनकी थोड़ी सी मदद करेंगे तो। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।